हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल आज हम पढ़ेंगे लूपिंग एंट्री कंट्रोल्ड लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप में फॉर लूप वाइल लूप और डू वाइल लूप इसमें मैं आपको पहले बता दूं कि यदि आपने पिछले लेक्चर्स में इफ़ स्टेटमेंट नहीं पढ़ा है तो कृपया उसे पढ़ लीजिए ताकि आपको कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब समझ में आ जाए क्योंकि लूपिंग में कंडीशन के साथ साथ हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और इनिशलाइजेशन और बहुत सी ऐसी चीज़ों का डिस्कशन करने वाले हैं जो आपके लिए हैवी हो जाएगा तो कृपया करके आप पहले उसे पढ़ लीजिए उसके बाद मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लूपिंग स्टार्ट करें लूपिंग होता क्या है इसे हम एक डायग्राम से समझेंगे उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे देखिए लूपिंग में होता यह है कि आप इसमें एक ऐसा काम करते हैं जिसे आप कंटिन्यूसली बार बार करना चाहते हैं और तब तक करना चाहते हैं जब तक कि आपका एक टास्क फुलफ़िल ना हो जाए जब आपका टास्क फुलफिल हो जाता है तो आप लूप को कर देते हैं स्टॉप तो मान लीजिए आप एक गिनती गिनना चालू करते हैं तो गिनती आप ऐसे गिनेंगे पाँच छः सात आठ नौ दस नहीं आप गिनती गिनेंगे एक दो तीन चार पाँच छः क्योंकि जब आपको कहा जाएगा कि आपको एक से गिनना है तब आप एक से गिनेंगे जब आपको कहा जाएगा कि आपको पाँच से गिनना है तब आप पाँच से कहेंगे इसे हम प्रोग्रामिंग में क्या कहते हैं इसे आप समझिएगा प्रोग्रामिंग में हम इसे कहते हैं इनिशियलाइजेशन प्रारंभिक मान प्रदान करना मतलब ये है कि जब आपको गिनती जब आपको को कोई गिनती गिनने कहे तो आपको ये भी बताएगा कि आपको गिनती कहाँ से गिननी है तो मान लीजिए उसने आपसे कहा कि आपको पाँच से गिनती शुरू करनी है अब आप गिनती गिनना चालू करते हैं पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह एंड सो वन तो आप कब तक गिनते रहेंगे आप ये भी तो बोर हो जाएंगे आप गिनते गिनते तो आपको सामने वाला ये भी बताएगा कि आपको गिनती गिननी है पाँच से लेकर पचास तक तो आप क्या करेंगे पाँच से लेकर पचास तक गिनती गिनेंगे तो आपको स्टॉप कहाँ पे करना है फिफ्टी पे जाके तो इसका मतलब ये हुआ कि एक लूप में आखिरी वैल्यू भी होती है जिसके बाद आप गिनती गिनना बंद करेंगे तो आप चालू कर रहे हैं पाँच के बाद में छः छः के बाद में सात सात के बाद में आठ लेकिन वो अगर आपको बोले कि पाँच के बाद में छः नहीं आना चाहिए पाँच के बाद में दस आना चाहिए फिर पंद्रह आना चाहिए फिर बीस आना चाहिए फिर पच्चीस आना चाहिए तो अब आपके पास में एक और पैटर्न आ गया कि आप जो इंक्रीमेंट कर रहे हैं वो पाँच पाँच का कर रहे हैं तो इसके मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आप एक स्पेसिफ़िक वैल्यू से इंक्रीमेंटेशन डिक्रीमेंटेशन कर रहे हैं बिल्कुल ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से हमारी घड़ी जो है वो चलती रहती है और हर सेकंड के बाद में चेंज हो जाता है घड़ी का कांटा सेकेंड का कांटा और मिनट का कांटा जो है हर मिनट के बाद में चेंज हो जाता है और हर घंटे के बाद में घंटे का कांटा जो है वो बदल जाता है तो ये जो डायग्राम है आप अपने दिमाग में बसा लीजिए क्योंकि इसी डायग्राम से मैं आपको सभी प्रकार के लूप पढ़ाने वाला हूँ तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले लूप से लूप पढ़ने के पहले लूप के दो प्रकार के बारे में मैं चर्चा करूँगा लूप जो है वो दो प्रकार के होते हैं जिसमें से एक लूप को कहा जाता है एंट्री कंट्रोल लूप और दूसरे प्रकार के लूप को कहा जाता है एग्जिट कंट्रोल्ड लूप दोनों का नाम इतना स्पष्ट है कि आपको कोई कन्फ्यूजन होगा ही नहीं जब आप किसी चीज़ को एंट्री पे चेक करते हैं आप कहीं गए और आपसे उसने पूछ लिया सवाल तो इसका मतलब ये है कि वो आपको आगे बढ़ने तब देगा जब आप उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वो कंडीशन कुछ भी हो सकती है हम प्रोग्रामिंग में इसके एग्जाम्पल देखेंगे और एग्ज़िट कंट्रोल लूप वो लूप होता है जिसमें आप पहले अंदर चले जाते हैं और अंदर जाने के बाद में आपकी चेकिंग होती है कि भाई आप एलिजिबल हैं कि नहीं आप कंडीशन सेटिस्फाई करके आए हैं कि नहीं मैं आपको इसके लिए बहुत अच्छे एग्जाम्पल मिले चलूँगा चलिए थोड़ा सा थिएटर चलते हैं थिएटर में होता क्या है थिएटर में ये होता है आजकल के थिएटर्स में कि हम एक टिकट लेते हैं पहले टिकट लेने के बाद में हम जाते हैं गेट कीपर के पास गेट कीपर हमसे पूछता है भाई टिकट दिखाइए टिकट हम उसे शो कर देते हैं शो करने के बाद बोलता है आप थिएटर के अंदर जा सकते हैं आज से कुछ साल पहले 10 से 15 साल पहले अभी 2019 चल रहा है सन 2000 तक के पहले ऐसा हुआ करता था कि थिएटर्स में आप सीधे जाके बैठ जाते थे मतलब सीधा आप सिटिंग करते थे सिटिंग करने के बाद में गेट कीपर जो है उसका ये भी काम होता था कि जो लोग टिकट ले चुके हैं उनकी टिकट चेक करने के बावजूद भी वो क्या करता था अंदर जाता था अंदर जाने के बाद में एक एक व्यक्ति की वो टिकट स्पेसिफिकली टिकट टिकट बोल के चेक करता था तो इसका मतलब ये हुआ कि आप पहले से बैठे हुए हैं थिएटर में और टिकट आपकी बाद में चेक हो रही है तो ये कौन सा लूप हुआ ये हुआ एग्ज़िट कंट्रोल लूप और जो आपने पहले सुना जिसमें आपकी टिकट की चेकिंग पहले गेट की कर रहा है अन्यथा बोलेगा कि भैया पहले टिकट लेके आ जाओ उसके बाद में फिर मूवी इन्जॉय करो उसके बाद में फिर थिएटर इन्जॉय करो तो ये आपका हुआ एंट्री कंट्रोल लूप उम्मीद है आपको समझ में आया होगा एंट्री कंट्रोल लूप और एग्ज़िट कंट्रोल लूप का मतलब इसमें आप कंडीशन पहले चेक करते हैं एंट्री कंट्रोल लूप में और इसमें कंडीशन आप बाद में चेक करते हैं और इसमें आपका काम भी पहले हो जाता है हो ये भी हो सकता है कि आप आधी पिक्चर देख लें उसके बाद आपकी टिकट चेक करने के लिए कोई आए ये भी हो सकता है कि आप पूरी पिक्चर देख के निकल जाएँ और आपको कोई टिकट चेक करने के लिए आए ही नहीं तो ऐसा आजकल इसलिए नहीं होता क्योंकि डिजिटल का ज़माना है और हर कोई ऑनलाइन बुकिंग पहले से कर लेता है टिकट पहले बुक कर लेता है उसके बाद में फिर वो ये सब चेकिंग को इसीलिए बदला गया क्योंकि पहले थिएटर्स वालों का नुकसान हो जाता था और उनके पास में कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं हुआ करता था कि वो भीड़ को कंट्रोल कर सकें अब चीज़ें बदल चुकी हैं तो हम प्रोग्रामिंग में इसे कैसे समझते हैं ये डिपेंड करता है ओके तो ये थिएटर के एग्जाम्पल को मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ अब हम आगे बढ़ते हैं थिएटर से बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले आता है एंट्री कंट्रोल्ड लूप एंट्री कंट्रोल लूप क्या होता है ये हमने समझा एंट्री कंट्रोल लूप सी लैंग्वेज में दो प्रकार के हैं एक को कहा जाता है फॉर और दूसरे को कहा जाता है वाइल वाइल का हिंदी में मतलब होता है जबकि जबकि मतलब जब आपको किसी काम को स्पेसिफिकली करना होता है तब आप जबकि लिखते हैं वाइल्ड लिखते हैं और जब आपको किसी काम को किसी के लिए करना होता है तब आप लिखते हैं फॉर तो हम एक एक करके आने वाले लेक्चर्स में इसके कम से कम तीन लेक्चर्स में बनाऊंगा, जिसमें एक मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा फॉर लूप इस लेक्चर में आने वाले में वाइल लूप फिर दोनों में अंतर और फॉर लूप में और वाइल्ड लूप में फिर हम पढ़ेंगे डू वाइल्ड लूप और डू वाइल लूप पढ़ने के बाद में हम तीनों में डिफ्रेंस करेंगे कि तीनों में आखिर क्या अंतर होता है फॉर लूप में while लूप में और डू वाइल लूप में तो एग्जिट कंट्रोल लूप में केवल एक ही लूप होता है जिसका नाम है डू while लूप तो आज के हमारे इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एंट्री कंट्रोल लूप ओके तो एंट्री कंट्रोल लूप होता क्या है चलिए देखते हैं एंट्री कंट्रोल लूप हमने समझा कि इसमें कंडीशन पहले चेक होती है तो इसमें सबसे पहले आ रहा है फॉर लूप फॉर लूप में क्या होता है ये देखते हैं फॉर लूप में सर्वप्रथम तीन चीज़ें होती हैं सबसे पहले को कहा जाता है इनिशलाइजेशन देखिए मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझाऊंगा। इनिशलाइजेशन इनिशलाइजेशन के बाद में आप लिखते हैं कंडीशन और कंडीशन के बाद में आप लिखते हैं इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर का प्रयोग आप यहाँ पे करते हैं और इसके बाद में इसका होता है ब्लॉक फॉर लूप का जिसमें होती है बॉडी ऑफ फॉर ये इसका सिंटैक्स हो गया तो सिंटेक्स जो है वो इसका फॉर लूप का इस प्रकार से होता है कि इसमें इनिशियलाइजेशन उसके बाद में फिर कंडीशन कंडीशन के बाद में सेमी कॉलन और सेमी कॉलन के बाद में डिक्रीमेंट ऑपरेटर तो ये एक ये दूसरा और ये तीसरा हो गया आपका इंक्रीमेंट अथवा डिक्रीमेंट ओके वन टू एंड थ्री तो चलिए एक एक करके सभी चीज़ों को समझते हैं सबसे पहले आता है आपका इनिशलाइजेशन ओके इनिशलाइजेशन का मतलब क्या होता है इनिशलाइजेशन का मतलब होता है कि किसी वेरिएबल को उसका इनिशियल वैल्यू प्रदान करना तो वेरिएबल इनिशलाइजेशन का मतलब है कि आप लूपिंग में सर्वप्रथम वेरिएबल को इनिशलाइज़ करेंगे किसी भी एक वैल्यू से जैसे हमने उदाहरण में देखा कि आप गिनती गिनी है तो कहाँ से गिनेंगे आप पाँच से गिनेंगे कि एक से गिनेंगे कि दस हज़ार पाँच सौ तेईस से गिनेंगे तो आपको इनिशियल वैल्यू एक देनी पड़ेगी कि भाई आपको गिनती कहाँ से चालू करनी है तो ये होगा आपका इनिशियलाइजेशन दूसरा आता है आपका कंडीशन कंडीशन में हम कंडीशन किससे बना सकते हैं आपको याद होगा कंडीशन हम बना सकते हैं रिलेशनल ऑपरेटर से और लॉजिकल ऑपरेटर का भी इसमें प्रयोग किया जा सकता है यदि आप दो कंडीशन लगाना चाहते हैं तो रिलेशनल के साथ में कंडीशन का भी आप सॉरी लॉजिकल ऑपरेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं तीसरा आता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट का डिक्रीमेंट का मतलब होता है कि जो वैल्यू आप असाइन करेंगे इनिशलाइज़ करेंगे वो आप बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं आपको उल्टी गिनती गिननी है या फिर आपको सीधी गिनती गिननी है तो चलिए एक उदाहरण देखते हैं इसके पहले कि आप बोर हो जाएँ फॉर लूप लगाते हैं और यहाँ पर इनिशियल वैल्यू देते हैं आई के लिए वन तो हमारे पास में अब एक वेरिएबल है आई जिसे आपको पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा इंट आई लिख के तब आप इसे फॉर लूप में इस्तेमाल कर सकते हैं इसके बाद में आप लिखेंगे i इज़ लेस देन इक्वल टू टेन या आप हंड्रेड दीजिए आप थाउजेंड दीजिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना काम करना है फिर आप करते हैं i प्लस <coughs> प्लस तो i प्लस प्लस लिखने का मतलब ये है कि हम जो गिनती है वो आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं और i प्लस प्लस का मतलब होता है i इज़ इक्वल टू आई प्लस वन मतलब ये एक एक से बढ़ते जाएगा अब मान लीजिए यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ प्रिंट एफ मुझे सॉरी यहाँ पे हम लिखते हैं परसेंट डी और आई अब ये जो स्टेटमेंट है ये कैसे प्रिंट होगा कितनी बार प्रिंट होगा इसे समझने के लिए मैं सिंपली इसका स्क्रीनशॉट लेता हूं और आपको ले चलता हूं पेंट ब्रश में ताकि आपको बहुत अच्छे से मैं इसे फिर से लूप बना के दिखा सकूं। तो जितना पोर्शन हमें आवश्यकता है हम केवल उतने ही पोर्शन को यहां पर रखते हैं बाकी पोर्शन को यहाँ से हटा देते हैं तो देखिए अब ये जो है हमारे पास में पोर्शन आ गया फॉर लूप का और अब हम इसमें लूप बनाते हैं तो लूप देखिए इसमें कैसे बनता है इसमें लूप बनता है कुछ इस प्रकार से तो ये डायग्राम में बाद में बनाऊंगा पहले आपको पेंसिल से समझाता हूँ देखिए फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन वाली लाइन जो है वो ये है और ये इनिशियलाइजेशन केवल एक बार होता है इस बात को नोट कर लीजिए ताकि आपको आगे कभी भी कन्फ्यूजन ना हो आई हमने डिक्लेयर पहले से करके रखा हुआ है और हमने क्या कर रहे हैं इसको इनिशलाइज़ कर रहे हैं और इनिशलाइजेशन कितने बार होता है केवल एक बार इसके बाद क्या होता है ये आगे बढ़ता है आगे बढ़ने के बाद में इस कंडीशन को पढ़ता है तो कंडीशन क्या है i इज़ लेस देन इक्वल टू टेन अब इसकी गाड़ी जो है नीचे की तरफ चली जाती है मतलब बॉडी ऑफ फॉर की चली जाती है ये आगे नहीं बढ़ता इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे बाद पे जाएगा कब जाएगा भी देखेंगे तो कंडीशन चेक होने के बाद में ये स्टेटमेंट यहाँ पे जो भी लिखा हो मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा था कि मुझे फॉर लूप सेवन में आ गया लेकिन मैं एक्चुअली यहाँ पे आई की वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है ये प्रिंट हो जाएगा जो इसमें लिखा हुआ है आई की वैल्यू तो आई की वैल्यू भी कितनी है आई की वैल्यू वन थी कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे प्रिंट करेगा वन तो आप यहाँ पे लिख दीजिए आउटपुट में कितना प्रिंट हो गया वन कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया छोटा कर देते हैं ओके okay. ओके okay, तो अब यहाँ पर प्रिंट हो गया वन अब क्या होगा ये यहाँ से रिटर्न जाएगा स्टेटमेंट के बाद में कहाँ पर इस आई प्लस प्लस के पास आई प्लस प्लस के पास में जाने से आई की वैल्यू हो जाएगी टू और यहाँ से ये घूम के आएगा वापस कंडीशन में ध्यान रखिए ये इनिशियलाइजेशन पे दोबारा वापस नहीं जाएगा तो देखिए क्या हुआ एक्चुअल में इनिशियलाइजेशन हुआ कंडीशन चेक हुआ आई की वैल्यू प्रिंट हुई इंक्रीमेंट हुआ इंक्रीमेंट होने के बाद आई की वैल्यू दो हो गई तो दो इज़ लेस देन इक्वल टू टेन कंडीशन अभी भी ट्रू है क्या करेगा प्रिंट एफ आई की वैल्यू दूसरी बार प्रिंट करेगा दूसरी बार कितनी प्रिंट होगी टू वेरी गुड उसके बाद में फिर आई की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट होगी और आई की वैल्यू हो जाएगी थ्री फिर से कंडीशन चेक आई की वैल्यू थ्री हो गई थ्री प्रिंट हो जाएगा थ्री प्रिंट होने के बाद में क्या होगा फोर होगा फाइव होगा सिक्स होगा सेवन होगा एट होगा नाइन होगा टेन होगा टेन प्रिंट होने के बाद में क्या होने वाला है इस चीज़ को फिर से ध्यान दे के समझिए जब आई की वैल्यू हो जाएगी टेन तो टेन प्रिंट हो गया टेन प्रिंट होने के बाद में कहाँ जा रहा है ये इंक्रीमेंटेशन के पास इंक्रीमेंटेशन होगा इंक्रीमेंटेशन कितने का होगा एक का आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी ग्यारह और 11 होने के बाद में ये भाई साहब यहाँ से कूद के सीधा बाहर आ जाएंगे जो फॉर लूप के वेरिएबल हैं i यहाँ से इसकी वैल्यू डायरेक्टली कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी 11 होने से क्या होगा ये कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएगी और जैसे ही फॉल्स होगी यहाँ से जंप मार के सीधा कहाँ आएगा फॉर लूप के बाहर तो अब आई की वैल्यू कितनी है यदि मैं आपसे पूछूँ तो आपका जवाब क्या होगा एलेवन आप चाहें तो इसे प्रिंट भी करा सकते हैं और हम प्रोग्राम में इसमें ज़रूर प्रिंट करा के देखेंगे तो देखिए लूप जो है वो किस तरीके से बना अब मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ जो पहले बना के चाह रहा था सर्किल में आप इसको बना सकते हैं ये डायग्राम कुछ इस तरीके से बन रहा है क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले कंडीशन चेक होती है फिर प्रिंट होता है फिर इंक्रीमेंट होता है फिर कंडीशन चेक और ये चीज़ कब तक चलते रहती है जब तक कि ये कंडीशन क्या नहीं हो जाती फॉल्स नहीं हो जाती जैसे ही फॉल्स होती है यहाँ से बाहर जम मार देता है इसे फटाफट हम प्रोग्रामिंग में बना के देखते हैं हैश इनक्लूड एस टी डी आई यू नॉट एच देन मेन फंक्शन मेन फंक्शन के बाद में एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है इंटीजर ए हमें फॉर लूप लगाना है फॉर ए इक्वल टू वन इज़ लेस देन इक्वल टू टेन सर आपने वहाँ पे आई लिया था मैं जानता हूँ वहाँ पे मैंने आई लिया था आप कुछ भी ले सकते हैं हमारा कंप्यूटर है हम जो करना चाहें वो करेंगे ए प्लस प्लस और यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रिंट एफ और परसेंट डी एंड देन ए की वैल्यू क्या है ए दैट्स इट कंपाइल करिए सेव करने के लिए फॉर जीरो वन इसका नाम रखते हैं डॉट सी और इसे रन कर दीजिए क्या प्रिंट हुआ देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस अब हम दूसरे उदाहरण पर चलते हैं का मान कर देते हैं पाँच और यहाँ पे कर देते हैं बीस तो क्या होगा का मान कहाँ से शुरू हो रहा है पाँच से तो पाँच से शुरू हो रहा है तो क्या प्रिंट होगा सबसे पहले फाइव फिर क्या होगा इंक्रीमेंट के बाद में सिक्स फिर क्या होगा कंडीशन चेक होगी फिर क्या प्रिंट होगा सिक्स सेवन एट नाइन टेन कहाँ तक प्रिंट होगा ट्वेंटी तक तो इसका आउटपुट क्या आने वाला है पाँच से लेके बीस तक देखिए आया फाइव सिक्स सेवन एट टू ट्वेंटी ओके अब मैं आपको बता रहा था कि यदि यहाँ पे कितना है वन है यहाँ पे कितना है टेन है तो ए प्लस प्लस करते करते ये कितना हो जाएगा वैल्यू टेन तक तो प्रिंट होगा ही होगा फिर कंडीशन फॉल्स होगी तो ए का मान कितना हो गया एलेवन हो गया तो आप बाहर आके चेक कर सकते हैं प्रिंट एफ परसेंट डी कॉमा ए का मान यहाँ पे कितना प्रिंट होने वाला है इलेवन तो कन्फ्यूजन ना हो तो हम क्या करते हैं लाइन चेंज कर देते हैं वो भी दो दो बार ताकि ये अलग से जो एलेवन प्रिंट हो वो हमको दिखाई दे देखिए ये लूप की वैल्यूज़ हैं और ये इलेवन किसकी वैल्यू है लूप के बाहर की वैल्यूज़ है तो ये इतना सिंपल है फॉर लूप फॉर लूप जिस प्रकार से आपको समझ में आया तो अब आगे हम इसमें और भी कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं जैसे देखिए इससे का हमको काम नहीं पड़ता है हमको काम पड़ता है लूप का फॉर लूप में यदि आप क्या करेंगे ए प्लस प्लस की जगह आपको शॉर्ट हैंड ऑपरेटर एक बार देख लेना चाहिए इसे बताने से पहले यदि आपको शॉर्ट हैंड ऑपरेटर नहीं आता तो आप पिछले लेक्चर में जाके जहाँ पे हमने वेरिएबल्स आइडेंटिफायर और कीवर्ड्स और कॉन्सटेंट्स uh, पढ़ा है वहाँ पे सॉरी उसके पहले के लेक्चर में जहाँ पे हमने ऑपरेटर्स पढ़ा है ऑपरेटर्स में हमने शॉर्ट हैंड ऑपरेटर का एक लेक्चर दिया हुआ है आप उसे ज़रूर जाके देखें तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा जैसे मुझे इंक्रीमेंट करना है ए प्लस इक्वल टू तो ये जो वन है ये अगली बार जब इंक्रीमेंट होगा तो कितने से इंक्रीमेंट होगा दो से मतलब अगली वैल्यू आएगी थ्री वन के बाद में थ्री आएगी फिर आएगा फाइव फिर आएगा सेवन फिर आएगा नाइन उसके बाद में कितना हो जाएगा इलेवन तो वन टू नाइन तक प्रिंट करेगा ये देखिए वन टू कहाँ तक प्रिंट हुआ नाइन तक उसी प्रकार अगर आप इसको कर देते हैं पाँच ए प्लस इक्वल टू फाइव का मतलब हो गया अब अभी पाँच पाँच से इंक्रीमेंट करेगा तो ये वन से स्टार्ट होगा वन के बाद में प्लस फाइव हो जाएगा सिक्स तो वन होगा सिक्स होगा फिर सीधा कितना हो जाएगा इलेवन तो ये केवल दो वैल्यू प्रिंट करेगा वन एंड सिक्स देखिए वन एंड सिक्स ओके थोड़ा सा यहाँ पे टैब स्पेस दे देते हैं ताकि हमारा जो आउटपुट है वो क्लियर कर दिखे देखिए okay, अब वन एंड सिक्स ओके अब मान लीजिए हम इसको उल्टा चलाना चाहते हैं लूप को तो क्या करेंगे तो सिंपली सबसे पहले इसे डिलीट कर देते हैं आप अपने दिमाग से मत डिलीट करिएगा ए इक्वल टू हम लेते हैं टेन ए इज़ ग्रेटर देन लेते हैं वन और यहाँ पे क्या लिख देते हैं ए माइनस माइनस तो अब ये उल्टी गिनती चालू हो जाएगी प्रिंट एफ परसेंट डी और कॉमा ए मैंने डिलीट करके दोबारा इसलिए बनाया ताकि आपको बिल्कुल नए सिरे से समझ में आए बात तो यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं ए का मान है दस इनिशियलाइजेशन एक बार होगा ए ग्रेटर देन इक्वल टू वन है मतलब दस से घटते घटते कहाँ तक जाएगा वन तक तो ये क्या प्रिंट कर रहा है खुद ही देख लीजिए दस नौ आठ सात छः पाँच आठ तीन दो एक और बाहर आके ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप चाहें तो कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं इसे पॉज करके और यहाँ पर मैं भी बता देता हूँ कि ए की वैल्यू कितनी हो गई ज़ीरो बिल्कुल सही जवाब तो ये हम क्या करते हैं दो बार स्लेशन कर देते हैं तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ए की वैल्यू कितनी हो गई जीरो क्यों हो गई ज़ीरो तो दोबारा बता देता हूँ का मान था दस ओके एक बार हो गया काम इसको भूल जाइए कंडीशन चेक हुई कंडीशन क्या है ट्रू है का मान प्रिंट किया दस फिर क्या हुआ नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन फिर ज़ीरो तो जीरो जब हो गई तभी तो कंडीशन फॉल्स हुआ और कंडीशन जब फॉल्स हो गई तो क्या होगा ये सीधा कूद के बाहर आ जाएगा और कूद के बाहर आने के बाद क्या प्रिंट करेगा ए की वैल्यू जो हो चुकी है ज़ीरो तो ये था हमारा एंट्री कंट्रोल लूप का पहला पार्ट जिसमें हमने पढ़ा फॉर लूप और फॉर लूप में हम इस प्रकार से बहुत से काम कर सकते हैं जैसे कि आपको इवन नंबर की सीरीज प्रिंट करनी है तो देखिए आपको यहाँ पर सिर्फ इतना लिखना है एक्वल टू वन और ए इज़ लेस देन इक्वल टू हंड्रेड सॉरी आप ए को दो से चालू करिए क्योंकि मैंने इवन नंबर बोला इवन नंबर दो है अगर आपको सौ तक के इवन नंबर्स प्रिंट करने हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे ए लेस देन इक्वल टू हंड्रेड और ए प्लस इक्वल टू टू दैट्स इट इतना लिखने के बाद में ये क्या करेगा ये दो दो से इंक्रीमेंट करते जाएगा ए की वैल्यू को तो दो के बाद क्या आता है चार आता है फिर छः आता है फिर आठ आता है इस प्रकार से और यहाँ पर आप एक स्पेस दे दीजिए तो देखिए यहाँ पे क्या प्रिंट हो गए 100 तक के सारे एवन नंबर्स प्रिंट हो गए और हमने यहाँ पे एक की वैल्यू दोबारा प्रिंट करा रही है इसलिए यहाँ पे 102 भी लिखा हुआ है तो मैंने आपको कहा था कि इसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है दोबारा देख लीजिए दो से चार से ले कर हंड्रेड तक सारे एवन नंबर्स प्रिंट हो गए अब हम इसमें केवल एक बदलाव करेंगे ए वैल्यू ले लेंगे वन तो जितने भी ऑर्ड नंबर्स हैं जितनी भी विषम संख्याएँ हैं पहले हमने सम समसंख्याएँ प्रिंट कर ली अब हम क्या प्रिंट कर रहे हैं विषम संख्याएँ तो आपको केवल एक परिवर्तन यहाँ पे करना है एकवल टू दे दे देना है वन तो क्या प्रिंट हो जाएगा देखिए वन थ्री फाइव सेवन से लेके नाइनटी नाइन तक वन जीरो वन क्यों प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि वन जीरो वन पर ही कंडीशन फॉल्स हुआ और जब आप बाहर आके देखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी वन ज़ीरो वन उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और यदि नहीं समझ में आया तो कृपया हमें कमेंट सेक्शन पर बताइए हम इसे और इम्प्रूव करके डाल देंगे और आपको जो भी प्रोग्राम फॉर लूपिंग से पूछना हो फोनसी सीरीज फैक्टोरियल तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं हम उसे ज़रूर अपलोड करेंगे और चाहे जो भी प्रोग्राम हो आप हमें मेल भी कर सकते हैं मेरी ई मेल देखने के लिए आप मेरे चैनल पर जाइए अबाउट पेज क्लिक करिए उस उसमें मेरी ई मेल लिखी हुई है वहाँ पर आप मुझे जो भी रिक्वेस्ट करेंगे फॉर लूप से संबंधित मैं उसे ज़रूर बताऊँगा और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक पहुंचना चाहिए तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें थैंक यू वेरी मच सी यू इन द नेक्स्ट क्लास वाइल्ड लुक के साथ मिलते हैं धन्यवाद